यो व्हाट्स अप पीपल, और इस वीडियो में मैं रेडमी 4 और ZenFone Live को कंपेयर करने वाला हूँ। हालांकि इनका स्पीड टेस्ट है बेसिकली इन दोनों फोन्स का। अभी अभी मैंने फोन्स को रीस्टार्ट किया है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कितना टाइम लग रहा है बूट होने में। और सीरियसली Asus का लोगो भी जस्ट एनिमेट हुआ है एंड मी का लोगो काफी टाइम से एनिमेट पे चल रहा है। शिट, ZenFone Live जो है पहले बूट अप हो चुका है Redmi 4 से, और Redmi 4 जरा सा लेट बूट हुआ है, लेकिन 2-3 सेकंड्स का फर्क था, जबकि Redmi 4 में प्रोसेसर काफी बेटर है, मानना पड़ेगा। Asus ने ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छी की हुई है, कम स्पेक्स के प्रोसेसर पे भी अच्छा वर्क कर रहा है। और अगर एप्लीकेशन की बात करो तो कुछ ऐप्स हैं जो ZenFone Live में अच्छी चलती हैं, कुछ ऐप्स हैं जो Xiaomi में अच्छी चलती हैं, Redmi 4 में अच्छी चलती हैं। Because of a good processor, Redmi 4 is going good, but ZenFone Live is not that bad, but Redmi 4 is just amazing. I should say it's exceptional for $7,000. Yeah, for $7,000 it's totally exceptional. And guys, ये तुम्हारी स्पेक शीट है, अगर आप इसके ऊपर देखना चाहो तो दोनों फ़ोन 10,000 के हैं, और इसमें स्नैपड्रैगन 435 मिलता है Redmi 4 में, और ZenFone Live में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 400, which is अ गेम चेंजर आई थिंक। ये अगर आप 10,000 लगा रहे हो तो बैटरी लेना पर चूज़ करोगे, एंड रेडमी 4 कोई बेकार फ़ोन नहीं है, इट्स टोटली आउटस्टैंडिंग फॉर इट्स प्राइस, इट्स वैल्यू। 7,000 में भी आपको बहुत अच्छा मिलता है। तो दिस इज इट, नो नीड टू चेक अदर थिंग्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जस्ट यू कैन चेक आउट इंटरनल स्टोरेज, रैम, वेट एंड एग्जाम्पल। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अब इस चैनल पे मैं कंटिन्यूसली वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, एंड थैंक यू गाइस फॉर सब्सक्राइबिंग, एंड ऑल थैंक्स टू यू 1600 सब्सक्राइबर्स, एंड आई जस्ट होप यूट्यूब पे वीडियोस मैं कंटिन्यूसली लाता रहूँ। टेक केयर गाइस, स्टे ब्लेस्ड, पीस आउट।